तथा छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, इन सबको पुष्पांजलि अर्पण करने का अनुरोध मैं प्रधानमंत्री जी को करती हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भगवान बिरसा मुंडा, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, आज जिनका जन्मदिन है वो क्रांतिवीर राघोजी भांगरे, इन सबको अभिवादन करने का मैं प्रधानमंत्री जी को अनुरोध करती हूँ। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की। नासिक महानगर के भाजपा अध्यक्ष प्रशांत जी जाधव, नासिक ग्रामीण के अध्यक्ष सुनील जी बच्चा और शंकर जी वाघ, आपको निवेदन है कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत तथा सत्कार करें। समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक शॉल एवं प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों से पावन इस धरती में हम सबके आराध्य श्री राम जी का गमछा प्रधानमंत्री जी को प्रदान किया गया है तथा ज्येष्ठ नेता विजय जी साने, लक्ष्मणराव साहू जी और बाला साहेब सानप जी, हमारा नासिक जिला कृषि प्रधान है, हमारे किसानों का प्रतीक ऋषभ यान तथा बुलेट कार्ड बैलगाड़ी माननीय पंतप्रधान जी को प्रदान करें। शिवसेना के पदाधिकारी अजय जी गोरख से, अप्पा करंजकर और सब जिला के पदाधिकारी, आपसे निवेदन है प्रवीण जी तित में और बाकी आप सबसे निवेदन है कि आप माननीय पंतप्रधान जी का स्वागत करें। कार्यकर्ता वे व समोर आलेले आव्हान यांचा मेळ घालून उत्तम नियोजन करणारे कुशल संघटक, ऊर्जावान नेतृत्व, आमचे मार्गदर्शक महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब यांना विनंती करते की आपण सभेला संबोधन करावे। भारत माता की, वंदे छत्रपति शिवाजी महाराज की, मां मनो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जय भवानी, जय शिवाजी, जय श्री राम, हर हर। अखिल विश्वाचे सर्वात लोकप्रिय नेते, विश्वगौरव युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी आपल्याला भेटायला आलेले आहेत। एकदा जोरात टाळ्या वाजून आपण नाशिककरांनी मोदींचं स्वागत करावं। मंत्रनगरी ती यंत्रनगरी असा प्रवास असलेली ही नाशिक नगरी, या नाशिक नगरीमध्ये आज आपल्या या सभेच्या माध्यमातून मोदी जी आपल्या सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्याकरता जे निर्णय घेतले आणि आज कांद्याला चांगले भाव आहे म्हणून आमचे शेतकरी या ठिकाणी भेटायला आले आहेत। एकदा मोदीजींचा आपण त्या ठिकाणी टाळ्या वाजून स्वागत करूया। बंधू भगिनींनो, भाषा मराठीचा सन्मान माननीय मोदीजींनी केला आणि म्हणून मोदीजींचा महाराष्ट्राच्या वतीने एकदा जोरात टाळ्या वाजून आपण स्वागत करूया। बंधू भगिनींनो, खऱ्या अर्थाने मी जास्त वेळ घेणार नाही, पण माननीय प्रधानमंत्री मोदीजींनी मागच्या 10 वर्षात महाराष्ट्राला देशातलं सर्वात उत्कृष्ट राज्य म्हणून पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला।
देशातलं सर्वोत्तम राज्य महाराष्ट्र करण्याकरता मोदीजींनी या महाराष्ट्राला भरभरून मदत केली। आज या महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये 23 लाख लोकांना घरं दिलेत, आरोग्याची योजना मिळाली, प्रधानमंत्री किसान योजनेचे 1,71,00,000 लोकांना या ठिकाणी योजना मिळाली, 1,71,00,000 लोकांना किसान सन्मान योजनेचा लाभ मोदींनी दिला, जीवन ज्योती विमा योजनेच्या माध्यमातून 1,34,00,000 लोकांना महाराष्ट्राच्या या ठिकाणी लाभार्थ्यांना फायदा झाला, किसान क्रेडिट कार्डचा विचार केला, 87 लाख लोकांना किसान क्रेडिट कार्ड मिळालं, अटल पेन्शन योजना मोदीजींनी सुरू केली, 45 लाख लोकांना अटल पेन्शन योजनेचा लाभ झाला, स्वनिधी योजना मोदीजींनी सुरू केली, 10 लाख। नक्कीच साहेब, आमचा नाशिक जिल्हा आणि नाशिक शहराचे सर्व उमेदवार हे प्रचंड मऊबतांनी निवडून येतीलच असा विश्वास आपण सगळ्यांनी हात वरती करून आदरणीय पंतप्रधान आणि आदरणीय बावनकुळे साहेबांना द्यायचा आहे। आणि आता विकास की गंगा, भारत के घर घर में पहुंचाने वाले आधुनिक युग के प्रधान सेवक, भारत के भाग्य विधाता, जन जन के नायक, माताएं बहनों के आधार, युवाओं के आशा स्थान, ऊर्जादायी करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्थान, देश के गौरव, भारत माता के सपूत, विश्व नेता, तेजस्वी, सबसे यशस्वी लोकप्रिय पंतप्रधान जी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी तेजस्वी वाणी से हमको मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय भवानी, जय भवानी। प्रभु श्री राम च्या पदस्पर्शाने पवित्र नाशिक नगरीला माझा नमस्कार। मैं भगवान त्र्यंबकेश्वर और माता रेणुका को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के पहले दिन मुझे नासिक की पुण्य भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है। जब अयोध्या में राम मंदिर की 500 साल की प्रतीक्षा पूरी हुई, जब प्रभु श्री राम एक बार फिर वापस आए, तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिनों के मेरे व्रत अनुष्ठान की शुरुआत भी यही नासिक से शुरू हुई थी। मुझे कालाराम मंदिर में सफाई और सेवा का अवसर भी मिला था। आज एक बार फिर मैं विकसित महाराष्ट्र के लिए, विकसित भारत के लिए नासिक का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मैं देख रहा हूं नासिक में जनता जनार्दन का ये विशाल जनसमूह महाराष्ट्र का जन जन कह रहा है, भाजपा महायुति आहे तर गति आहे, महाराष्ट्राची प्रगति आहे। साथियों, आज महाराष्ट्र के प्रख्यात साहित्यकार और कला जगत के मजबूत स्तंभ रहे पु ल देशपांडे जी की जन्म जयंती है।
मैं उनका पुण्य स्मरण करता हूं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आज हमारा महाराष्ट्र विकास कर रहा है, हमारा देश नए रिकॉर्ड बना रहा है, क्योंकि आज देश में गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है। जब गरीब आगे बढ़ता है तभी देश आगे बढ़ता है। इतने दशकों तक देश में कांग्रेस और उसके साथियों ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, फिर भी गरीब रोटी, कपड़ा, मकान के लिए मोहताज रहा। लेकिन अब केवल 10 वर्षों के भीतर भीतर देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि मोदी की नीयत सही है, मोदी गरीब का सेवक बनकर काम करता है, आपका सेवक बनकर काम करता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि गरीब के खिलाफ ये लड़ाई केवल मोदी ने नहीं, देश के गरीब ने भी लड़ी, आप सबने लड़ी। आज महाराष्ट्र में 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 1.25 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल ये सुविधा मिलने लगी है। आज महाराष्ट्र के लगभग 7 करोड़ जरूरतमंदों को हर महीने मुफ्त राशन मिल रहा है। राज्य के 26 लाख से ज्यादा गरीबों को पीएम आवास योजना का लाभ मिला है, उन्हें पक्के मकान दिए गए हैं। गरीबों के लिए ऐसे काम लगातार होते रहे, इसके लिए महाराष्ट्र में महायुति सरकार फिर से बननी जरूरी है। साथियों, डबल इंजन सरकार में विकास की गति डबल होती है, साथ ही योजनाओं का लाभ भी डबल हो जाता है। महाराष्ट्र के किसान आज इसका अनुभव कर रहे हैं। यहां किसानों को एक और पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, साथ ही नमो शेतकरी महासम्मान निधि ये भी मिल रही है। यानी सालाना 12,000 रुपये की आर्थिक मदद। और मैं मेरे किसान साथियों को बताना चाहता हूं, जब महाराष्ट्र में फिर हमारी सरकार बनेगी तो ये 12,000 रुपये की मदद बढ़कर 15,000 रुपये हो जाएगी।